खबर है दमोह से, जहां दमोह ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में चला गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के मामलों की, जहां दमोह में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज निकला। जैसे ही मरीज की रिपोर्ट आई, पूरे दमोह जिले में हड़कंप मच गया। दमोह जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीज का नाम यशवंत पिता फुलन कुर्मी पटेल, उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है, जो कि तेंदुखेड़ा के ग्राम सर्रा का निवासी है। यशवंत द्वारा बताया गया है कि वह 3 दिन पहले महाराष्ट्र से ग्राम सर्रा तेंदुखेड़ा आया था, तो सर्रा निवासी यशवंत पटेल पहला कोविड-19 केस के रूप में सामने आए हैं। कलेक्टर तरुण राठी, पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान और CEO जिला पंचायत डॉक्टर गिरीश मिश्रा के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। पता चला है तेंदुखेड़ा ब्लॉक में सर्रा गांव का एक व्यक्ति है जिसकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कोई पटेल समाज का है। अभी वहां ब्लॉक लेवल पर उसकी पूरी कंटेमिनेटेड जोन बनाई जा रही है और उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मैं अभी कहां है वो मरीज? मरीज तो ब्लॉक में है, तेंदुखेड़ा ब्लॉक में। और कितने उसके संपर्क में है, क्या हिस्ट्री है उसको? वो वहां के BMO साहब पूरी हिस्ट्री निकालेंगे। अभी तक एक ही पॉजिटिव पाया गया है? हाँ, अभी एक पॉजिटिव आया है। और भी कोई सस्पेक्ट हो जाएगा? नहीं, अपन ने सैंपल भेजे हैं, जब उसकी रिपोर्ट आएगी जब पता चलेगा। मैंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है? कहीं पता चला है कि बाहर से आया था कुछ दिन पहले, तो ब्लॉक वालों ने उसको कोविड-19 उसमें रखा गया था, CCC में रखा गया था, वहाँ से उनने सैंपल लिया। फिर सैंपल के बाद आज आधा घंटे पहले उसकी रिपोर्ट आई कि जो पॉजिटिव निकली है। दमोह से अभिषेक छरोलिया की रिपोर्ट।